एक जमाने में आपने 2018 में और 19 के शुरू में हमें $3 बिलियन दिया था, जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स के लिए एक किस्म से उसने तकवीयत दी थी। तो वो भी अगर आप देख लें तो उन्होंने कल जो अनाउंसमेंट की है वो दोनों चीज़ें कर दी हैं। एक तो उन्होंने कर दिया है कि $1.2 बिलियन जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा एक साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने $3 अरब जो है वो डिपॉजिट रख लिए। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। तो वैसे अगर होता तो मतलब अगर 1.5 होता तो 1.8 बिलियन होता और दो साल का 3.6 होता। इस वक्त उन्होंने एक साल में ही 4.2 दे दिया। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपी पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन एक साल के लिए मिला है, ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है अगर हमें वो अगर दो साल की अगर फैसिलिटी मिल। तो ये जो क्राउन प्रिंस ने मैं कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए स्पेशल जगह रखता है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है हमारे लिए स्पेशल जगह रखते हैं, तो मेरे लिए खुशी है कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। तो कल मुझे उनके फाइनेंस मिनिस्टर का टेलीफोन आया, उसने बताया कि हम अभी प्रेस ये रिलीज़ कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ। तो ये कल मेरे ख्याल में थोड़ी लीक भी हो गई थी, लेकिन मैंने चाहा कि ये बेहतर होगा कि मैं आके आपके सामने ये प्रेस में ये कह दूं। और मैं अपने भाई हमाद अजहर को भी लेके आया हूं, क्योंकि जो $3 बिलियन का तो स्टेट बैंक के साथ ताल्लुक है, लेकिन ये जो तेल का है ये हमाद भाई की मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। और ये भी आपको बताएंगे कि इस वक्त जो तेल की कीमतों का प्रेशर हमारे पे है, उसको हम मिलके कैसे मतलब आवाम को किस किस्म की सहूलतें दे रहे हैं, जो कि अगर आप इसको मुकाबला करें आपके इर्द गिर्द वाले मुल्क हैं या तकरीबन सारे मुल्कों को देखा जाए तो पेट्रोल जो है रख तो यही रहा है कि महंगाई हो रही है, लेकिन पिछले कई सालों में जो हम यहाँ होता था, जितने हम एक किस्म की पेट्रोलियम लेवी रखते थे और दूसरे मुल्कों के साथ हमारा कंपैरिजन, और आज अगर देखें तो वो एक किस्म का एक काफ़ी सब्सटैंशियल डिफरेंस है, हमने कीमतें कम रखी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं यहीं ख़त्म करूँगा और हमाद को मैं कहूँगा कि इसको ज़रा इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। जी शुक्रिया शौकत साहब। देखें, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कमोडिटी साइकिल से गुजर रही है। कमोडिटी साइकिल से मुराद ये है कि कोविड आने के बाद जो बड़ी दुनिया की मईशतें थीं उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज दिया अपनी मईशत के अंदर, यानी कि कैश जो है वो छोड़ा डिमांड को ऊपर ले जाने के लिए। उसके नतीजे में इन सारे मुल्कों में माशी तेज़ी आई और उस तेज़ी को सप्लाई करने के लिए जो पीछे साजो सामान था वो मौजूद नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कारोबार बंद थे, सनतें बंद थीं, पैदावार के मराकज बंद थे। और आज हमें नज़र आ रहा है कि खाने पीने की अशिया से लेके एनर्जी की अशिया तक हर चीज़ की कीमत जो है वो दुगनी भी नहीं बल्कि तिगनी हो गई है। चाहे आप कोयला ले लें, चाहे आप तेल ले लें, चाहे आप गंदम ले लें, हर चीज़ जो है आलमी मंडी में वो बहुत महंगी हो गई है। इस सिलसिले में, और ये मैं इसमें अमीर मुल्क और गरीब मुल्क आजकल बड़ा चल रहा है कि जी अमीर मुल्क कीमतें नहीं बढ़ी या वहाँ पर बढ़ भी जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, बिला तफरीक हर जगह अमरीका से ले कर बांग्लादेश तक, चाइना से लेके इथोपिया तक, हर जगह कीमतें जो हैं वो इनकी बढ़ गई हैं। अब हमने पाकिस्तान में क्या किया है, आप ये देखें कि जो तेल है पाकिस्तान में, आज भी सिवाय चंद ममालिक जो तेल बनाते हैं, सिवाय चंद ममालिक उनके जो तेल बनाते हैं, दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। चाहे वो अमीर मुल्क हो अमरीका जैसा गरीब मुल्क हो, पाकिस्तान से उसमें तेल की कीमत आज ज़्यादा ही है। इसी तरह दूसरी तरफ आप गैस देख लें, पाकिस्तान में आप देखें कि जो गैस की कीमत है 2019 से आज तक नहीं बढ़ी, यूरोप में 5 से 10 गुना इन सर्दियों में गैस की कीमतों का बढ़ा दिया गया।
ठीक है, और इसी तरह आप बाकी ममालिक में भी देखेंगे तो कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। इंडिया में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं गैस की और दूसरी। इसी तरह हमने ये कोशिश की है कि यूरिया जो है जैसे उसको सस्ता रखा जाए। आज 1700-1800 रुपए की बोरी है यूरिया की, बैन अल-अक़वामी मंडियों के अंदर 7000 रुपए की बोरी जा रही है यूरिया की। ये भी अमीर मुल्कों में भी बढ़ी है, गरीब मुल्कों में भी बढ़ी है। साथ में आपको ये भी बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि टैक्स का तयन करती है, 450 अरब हम एक साल में टैक्स की छूट दे चुके हैं तेल की कीमतों को कम रखने। ये अगस्त 2020 से लेके आज तक की मैं आपको फिगर दे रहा हूँ सेल्स टैक्स और पीडीएल की मद में। तो 450 अरब जो है वो इसका एक 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 इम्पैक्ट आया है, और जाहिर है कि जब 450 अरब का इम्पैक्ट आता है तो हुकूमत इसको कहीं दूसरी तरफ से पूरा करने की कोशिश करती है। तो अब हम पे जो है वो फिस्कल प्रेशर्स भी बढ़ते जा रहे हैं कि एक तरफ हम तेल की उसके ऊपर बिल्कुल हमने टैक्स को इतना कम कर दिया कि हुकूमत जो है उसके ज़ाहिर अखराजात होते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, आपकी तनख्वाहों के खर्चे होते हैं, आपकी डिफेंस नीड्स होती हैं। तो हुकूमत ने अभी तक तो पूरी कोशिश की है कि 450 अरब जो है उसको करे, जिसके नतीजे में आज कीमतें बहुत कम हैं। और अब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आता जा रहा है, हम पे प्रेशर आता जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टैक्स छोड़ दिया है। तो एक तरफ ये एंगल है, और दूसरी तरफ जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं, हर चीज़ की कीमत। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगले 6 माह के अंदर ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल जो है वो टूटेगा और ये आलमी मंडी में एनर्जी से ले के खाने पीने के अशिया से ले के हर चीज़ की कीमतें, अनाज से लेके ये कीमतें थोड़ी नीचे आएंगी। और इंशाल्लाह जैसी नीचे आएंगी उससे फिर आम आवाम यहाँ पे भी वो ट्रांसलेट होंगी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि चंद सिरे सवाल मैं लूँ, क्योंकि हमारी कैबिनेट मीटिंग है 12 बजे और 15-1 मिनट तो यहाँ से जाते लगेंगे। एक ये आप डिटर्मिन करें, शहबाज राणा जी। शहबाज नहीं, देखो पहले तो मैं आपकी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सवाल पूछें। तो पहली बात जो है आपने कहा इसकी टर्म्स वैसे ही हैं जिस तरह पहले था। दूसरा है इसका आईएमएफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई एब्सोल्युटली आईएमएफ का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है जी, हाँ मेहताब भाई बोले। सर मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि आईएमएफ के एसोसिएशन के वजह से बड़ी अनसर्टेनिटी रही है, तो अब क्या समझते हैं और उसमें जिससे रुपए के ऊपर प्रेशर भी आता है, आप ये बताइए सर कि कब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा ताकि एक अश्योरेंस मिले और लोगों को पता चल सके कि आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बिल्कुल अश्योरेंस ले लें मेरे से भी। तो बस एक आधी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है और वो इंशाल्लाह अगले एक दो दिन है। नहीं नहीं नहीं, वो सब तय हो गया है, कुछ और चीज़ें हैं जो देखें। जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, वो भुगत रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो फिजिकल शिजिकल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज़ रह गई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस फोरम पर वो डिस्कस करूँ, बट एक आधी चीज़ रह गई है। तो आपको सिर्फ इतने जो इंश्योरेंस है कि वो हम जो है, मैं जब निकला था ना वाशिंगटन से, तो जनरली वो अग्रीमेंट मैं करके निकला था, मैं ऐसे नहीं निकला था। आपको याद है कि मैं न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से मैंने लंदन जाना था, मैंने लंदन का जो दौरा मुलतवी किया, वापस वाशिंगटन गया ताकि जो भी थे वो लूज एंड्स को करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा आपका, और जो है और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।